हेलो फ्रेंड, माय नेम इज करुण बहेल और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्चुअल बॉक्स में एक्सटेंशन पैक कैसे इंस्टॉल करेंगे, एक्सटेंशन पैक डालने का क्या बेनिफिट है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बेनिफिट क्या है। कि अगर आप वर्चुअल बॉक्स में एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करेंगे तो आप यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0, पीएक्सी बूट, डिस इंक्रिप्शन और आरडीपी जैसे फीचर को अनेबल कर पाएंगे। अगर आप एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये सारे फीचर आपके ब्लॉक रहेंगे और आप इनमें से कुछ भी ऑप्शन यूज करेंगे तो वो आपके वीएम में सपोर्टेड नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोग एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल करते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो जिसका नेम है हाउ टू इंस्टॉल एक्सटेंशन पैक इन वर्चुअल बॉक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं अपने वर्चुअल बॉक्स का उसका एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करना होगा और जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं सेम वर्जन का ही आपको एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करना होगा। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो कि कैसे आप इंस्टॉलेशन पैक को डाउनलोड करेंगे और कैसे आप अपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने वर्चुअल बॉक्स को ओपन कीजिए और उसका वर्जन चेक कर लीजिए कि आपका वर्जन कौन सा है। तो देखिए वर्जन चेक करने के लिए आप हेल्प सेक्शन में जाएंगे, हेल्प में जाके अबाउट वर्चुअल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो वर्जन है 6.1 है, बट जो एक्चुअल में वर्जन है वो आपका 6.1.6 है। तो यहाँ से आप अपना वर्जन चेक कर सकते हैं और सेम वर्जन का आपको एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करना है। तो एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे वर्चुअल बॉक्स की साइट ओपन करनी होगी। तो डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर शो हो जाएंगे। तो देखिए जैसे मैं बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ तो उसका एक्सटेंशन पैक आपका यहाँ अवेलेबल है, ऑल सपोर्टेड प्लेटफॉर्म। तो देखिए ये आपको बता रहा है कि सपोर्ट फॉर यूएसबी 2, यूएसबी 3 डिवाइस, वर्चुअल आरडीपी, डिस्क इंक्रिप्शन, एनवीएमई एंड पीएक्सी बूट फॉर इंटेल कार्ड। तो ये सभी ऑप्शन ये आपके ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएंगे जब आप एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल कर लेंगे। और सपोज अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं, आप कोई प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हैं, तो जैसे आप 6.0 पैकेज यूज कर रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो 6.0 से रिलेटेड जितने भी वर्जन होंगे उनके एक्सटेंशन पैक आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप 5.2 वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ वर्जन वाइज शो हो रहे हैं, जैसे 6.0.20 वर्जन आप यूज करें तो उसका एक्सटेंशन पैक आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी प्रीवियस वर्जन आप यूज करें तो उनके एक्सटेंशन पैक आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ तो मैं लेटेस्ट वर्जन का एक्सटेंशन पैक डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली ऑल सपोर्टेड प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है और आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है। जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आपको ये इंस्टॉल करना होगा आपके वर्चुअल बॉक्स में। और वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एडमिन राइट्स होने मस्ट है। अगर आपके सिस्टम में आपके पास एडमिन राइट्स नहीं है तो विदाउट एडमिन राइट्स आप वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हमारा डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आप अपने वर्चुअल बॉक्स में दोबारा आइए और फाइल ऑप्शन में जाके आपको प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए सेकंड लास्ट एक्सटेंशन शो हो रहा है, यहाँ पे आपको
ऐड करना है और जिस ऑप्शन फोल्डर में आपने इसको डाउनलोड किया था उस फोल्डर को ओपन करके एक्सटेंशन पैक को डबल क्लिक कर देना है। तो देखिए ये आपका इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है, तो आपको इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है और देन लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए आपको इसको रीड करना मस्ट है, तो ओनली स्क्रॉल डाउन कर दीजिए और देन क्लिक ऑन आई एग्री, तो आपका इंस्टॉलेशन पैक स्टार्ट हो गया है इंस्टॉलिंग के लिए। क्लिक ऑन द यस बटन। देखिए द एक्सटेंशन पैक ओरेकल वीएम वर्चुअल एक्सटेंशन पैक वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, तो आपका जो एक्सटेंशन पैक है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है आपके वर्चुअल बॉक्स में और आपको यहाँ पे शो भी होने लग गया है, तो आप नॉर्मली ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन पैक इंस्टॉल हो गया है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।